देखिए कि देश के राष्ट्रपति की तुलना हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी से करना, कल को ये लोग तो ये भी बोल देंगे कि नोट पे से गांधी जी की फोटो हटा के मोदी जी की लगा दो। तो भैया ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनको इस पद पे बैठ के, इस कुर्सी पे बैठ के किसी एक की तारीफ तो करनी नहीं चाहिए, निष्पक्ष होके इनको बात करनी जब चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर 9 साल से वो हमला करे जा रहे हैं, अगर उन्होंने एक पलटवार कर दिया तो चाय चाय क्यों क्यों शोर मचा रहे हैं? अगर वो राहुल गांधी को 9 साल से कभी शहजादा, कभी उनकी माता जी को बार गर्ल, कभी उनको कांग्रेस की विधवा, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी जर्सी गाय बोलते हैं, तब ये सारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं? बेचारी भोली भाली जनता, इस भोली भाली जनता का ब्रेन वॉश कौन करती है? देश की मीडिया। ये जो बिके हुए जो है ना मीडिया, बिके हुए जितने भी हुए चैनल, ये सब देश की जनता का ब्रेन वॉश करते हैं। तो मोदी जी के कार्यकाल में जो है सीमा सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है देश की सीमा, तो इसमें एक बात बताओ ना, ये जो 2019 में जो RTX जो आया था, और ये जो इसमें पुलवामा में जो 40 जवान जो मरे थे वो कहाँ से आ गए थे भाई साहब? उसमें पुलवामा में 3 दिन तक वो गाड़ी घूमती रही, लेकिन किसी ने उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाया। मोदी की गाड़ी के साथ में अगर कोई दूसरी गाड़ी चलती है तो सैटेलाइट 1 मिनट में बता देती है, लेकिन जब वो RTX का भरा हुआ ट्रक आ गया तो सैटेलाइट नहीं बता पाई, ना ही देश की कोई एजेंसी बता पाई। क्यों भाई, क्या कारण है इसका? ये सिर्फ देश की जनता और ये मीडिया, मीडिया का तो आज स्तर इतना गिर चुका है। देखो थोड़ा बहुत भरोसा आप यूट्यूबर के ऊपर है भाई साहब, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बार बार सारे गोदी मीडिया और सारा टीवी न्यूज चैनल वाले जितने भी होते हैं और जितने बीजेपी वाले हैं, 303 सांसद है, सबकी शुरुआत ही सुबह से होती है मोदी मोदी मोदी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राहुल जी घटिया घटिया घटिया। इनका दो ऐसे कितना असर पड़ेगा? असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा इससे, हालांकि वो अपनी क्या कहूँगा उपराष्ट्रपति है, मैं ये कह सकता हूँ कि बस चमचागिरी की पराकाष्ठा जो होते वो पार कर गए हैं। हालांकि मुझे भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए, सम्मानित पद है, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी निकल जाती है मुँह से तो क्या करें। से हमारे देश के राष्ट्रपति की तुलना हमारे प्रधान मौजूदा प्रधानमंत्री जी से करना, कल को ये लोग तो ये भी बोल देंगे कि नोट पे से गांधी जी की फोटो हटा के मोदी जी की लगा दो। तो भैया ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनको इस पद पे बैठ के, इस कुर्सी पे बैठ के किसी एक की तारीफ तो करनी नहीं चाहिए, निष्पक्ष होके इनको बात करनी चाहिए इस समय। यानी कि उपराष्ट्रपति बयान का निंदा करते हैं, निंदा करते हैं अभी जो आप, बिल्कुल नेगेटिव है, गलत बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो ने जो भाई साहब ने बात बोली बिल्कुल सही बोली है, उपराष्ट्रपति पद है, संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, ये जो होते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ये नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है। जब इस पे बंदा बैठ जाता है तो उसके बाद उसे दोनों पार्टियों को समान रूप से देखना पड़ता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन समान रूप से सदन का काम है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है उसका काम है सदन चलाना, तो वो पक्ष को भी उसी नजरिए से देखे और विपक्ष को भी उसी नजरिए से देखे। उपराष्ट्रपति पद भी संवैधानिक है, अब वो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो भाजपा के उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति है, पूरे देश की राष्ट्रपति है, भाजपा की राष्ट्रपति नहीं है, तो उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बयानबाजी करना एक चीज़ गलत लगता है, उनको अपना बयान जो वापस ले लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ठीक है, जब तक वो राज्यपाल थे, हालांकि उन्होंने राज्यपाल पद पर रहते हुए भी उन्होंने ये पद की पूरी धज्जियाँ उड़ाई, सेम चीज जो होती है वही राज्यपाल की होती है, राज्यपाल ने उसमें पक्ष और विपक्ष का जो विधानसभा है उसको दोनों को देख के चलना होता है, लेकिन वो जब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे तब उनका तब भी यही हाल था, वो लगातार ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करते थे और लगातार ऐसे बयान देते थे जो हमेशा बीजेपी के फेवर के होते थे। चुनाव 2024 होना है जी, उसको लेकर के जो है एक माहौल बनाने का प्रयत्न करा जा रहा है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बार बार सारे गोदी मीडिया और सारा टीवी न्यूज चैनल वाले जितने भी होते हैं और जितने बीजेपी वाले हैं, 303 सांसद है, सबकी शुरुआत ही सुबह से होती है मोदी मोदी मोदी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राहुल जी घटिया घटिया घटिया, इनका दो बयान है, इससे कितना असर पड़ेगा? असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा इससे, हालांकि वो अपनी क्या कहूँगा वो उपराष्ट्रपति हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि बस चमचागिरी की पराकाष्ठा जो होते वो पार कर गए हैं, हालांकि मुझे भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए, सम्मानित पद है, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी निकल जाती है मुँह से तो क्या करें। लोकप्रियता इतना बढ़ गई है कि बहुत सारी जनता कह रही है कि विदेशों में जो है मोदी जी के डंके पीटे जा रहे हैं, हमारे देश के डंके पीटे जा रहे हैं, विश्व गुरु है। कौन से विश्व गुरु हैं? 204 देशों ने कब उनकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली? कौन से देश ने उन्हें कह दिया कि जी हाँ जी आप मेरे सर्वोपरि हो, आप मेरे सिरमौर हो? कहा किसी ने? आज की डेट में भी जो क्वीन है, और तो क्वीन तो खैर एक्सपायर हो गई, अब जो किंग है उन्हीं के अंडर में 50 राष्ट्रमंडल देश आते हैं, वो उनको मानते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि हाँ वास्तव में विश्व गुरु हैं जो 50 देशों पर आज भी राज कर रहे हैं। हमारे मोदी जी अपने इंडिया के अलावा कहाँ चलता है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है
हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी से थे, तो लोग कहते थे बीजेपी पार्टी मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन आप कह रहे हैं आज के दौर में कहते हैं मोदी गवर्नमेंट चल रही है। मोदी गवर्नमेंट कहता कौन है, मैं वही तो कह रहा हूँ, जनता नहीं कहती इस बात को, कहती है गोदी मीडिया बोलती है लगातार, इस बात को हमेशा गोदी मीडिया द्वारा उछाला जाता है और वो पेड मीडिया हो चुका है, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो फैलाती है। बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल टोटल गोदी मीडिया, टीवी चैनल सारा आज की डेट में वही है, लोगों के दिमाग में वो यही भर रहा है, अरे मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लगातार उनको इस बात के पैसे मिलते हैं। कहीं भी आपने देखा होगा विपक्ष की किसी भी चीज को वो अप्रिशिएट करते हैं, जहां जहां विपक्षी सरकारें, कभी भी आपने किसी भी गोदी मीडिया चैनल को देखा कि हाँ इस एरिया में उसने अच्छा काम करा, कोर्ट लगातार ये ढूंढते हैं कि उन्होंने कहाँ गलत करा कहाँ गलत करा, और जरा सा उनका इतना इतना सा काम होता वो हर चीज़ में मोदी जी का चेहरा चिपका देते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव थे और राजस्थान में चुनाव थे, लगातार पोस्टर बैनर छपे पड़े थे, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती तो सारे के सारे पोस्टर बैनर इसी बात के छपने थे, मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। वो तो चांस की बात है कि इंडिया हार गई, हमें दुख हुआ, लेकिन बिल्कुल, लेकिन उनके पोस्टर बैनर क्या छपे हुए थे, वो यही छपे थे मोदी जी की फोटो के साथ, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता मोदी, आज तक व्यंजना ओम कश्यप आती है वो मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप, बकायदा उनकी हेडिंग थी, थंबनेल थे उनके। इसीलिए मोदी जी जब गए स्टेडियम में और मैच मतलब इंडिया फाइनल हार गया, इसलिए कहा जा रहा है पनौती, ये कैसा कैसे देखते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना? बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मानता हूँ इस बात को, ये अच्छी बात नहीं है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था उससे पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे था, पटेल जी का उन्होंने नाम बदल के उन्होंने अपने नाम पे कर लिया, उन्होंने बदला ले लिया, उन्होंने उनका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम करा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से उनको जो है पनौती की उपाधि मिल गई। राहुल गांधी भी इसको जो रिपीट करते हैं, हाँ, राहुल गांधी करना चाहिए, जब राहुल गांधी के ऊपर 9 साल से वो हमला करे जा रहे हैं, अगर उन्होंने एक पलटवार कर दिया तो चाय चाय क्यों क्यों शोर मचा रहे हैं? अगर वो राहुल गांधी को 9 साल से कभी शहजादा, कभी उनकी माता जी को बार गर्ल, कभी उनको कांग्रेस की विधवा, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी जर्सी गाय बोलते हैं, तब ये सारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं? सभी बातें भाई, मैं तो इन सब बातों की देखो कि निंदा करता हूँ मोदी जी के सभी बयानों को। अबे ये कोरोना जब आया था, आपने देखा होगा, तो मोदी जी ने बोला था कि वो ताली बजा दो कोरोना भाग जाएगा, मैं तो थाली नहीं, मैं तो पूरी वो बजा देता परात, लेकिन फिर भी भाई साहब वो नहीं भागा कोरोना, कोरोना नहीं भागा, कहाँ भागा कोरोना? हाँ एक बात बताइए, कोरोना की हालत मैं बताता हूँ आपको, WHO पता क्या कह रहा है, WHO कह रहा है कि भारत में 40 लाख लोग मरे हैं कोरोना से, और हमारी केंद्र सरकार क्या कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान में 4 लाख लोग मरे हैं। अब भैया इसमें किसके आंकड़ों के ऊपर करे भरोसा, किस में भरोसा किया जाएगा? तो ये सभी झूठे और जुमलों की सरकार है, और अब इस झूठी सरकार से इस देश को बचाना है, अच्छा। और देश की बहन बेटियों को भी बचाना है। आज आपको पता होगा मणिपुर में क्या चल रहा है, कि झूठे सरकार से जो है देश को बचाना है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ही देश के लिए मतलब चाहिए। देखो लोग नहीं कह रहे, ये जो हिंदुस्तान की जनता है ना, देखो हिंदुस्तान की जनता ये बेचारी भोली भाली जनता है, इस भोली भाली जनता का ब्रेन वॉश कौन करती है? देश की मीडिया, ये जो बिके हुए जो है ना मीडिया, बिके हुए जितने भी हुए चैनल, ये सब देश की जनता का ब्रेन वॉश करते हैं। तो मोदी जी के कार्यकाल में जो है सीमा सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है देश की, तो इसमें एक बात बताओ ना, ये जो 2019 में जो RTX जो आया था, और ये जो इसमें पुलवामा में जो 40 जवान जो मरे थे वो कहाँ से आ गए थे भाई साहब? उसमें पुलवामा में 3 दिन तक वो गाड़ी घूमती रही, लेकिन किसी ने उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाया। मोदी की गाड़ी के साथ में अगर कोई दूसरी गाड़ी चलती है तो सैटेलाइट 1 मिनट में बता देती है, लेकिन जब वो RTX का भरा हुआ ट्रक आ गया तो सैटेलाइट नहीं बता पाई, ना ही देश की कोई एजेंसी बता पाई। क्यों भाई, क्या कारण है इसका? ये सिर्फ देश की जनता और ये मीडिया का तो आज स्तर इतना गिर चुका है। देखो थोड़ा बहुत भरोसा आप यूट्यूबरों के ऊपर है भाई साहब, तो क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? राहुल गांधी बिल्कुल होना चाहिए भाई, बिल्कुल हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार में कोई कमी है, और देखो मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं तो ये बोलूंगा कि 10 साल से ज्यादा मौका किसी को भी मत दो। आप देश हित में नहीं सोचते हैं? क्यों, मैं तो सोचता हूँ देश हित में, लेकिन कहते हैं जो देश हित में सोचेगा वो मोदी जी को चाहेगा। अच्छा क्यों, मतलब अच्छा जो आदमी मोदी का है वही इस देश का है, यानी कि मोदी नहीं तो देश नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो है देश के लिए। सुनो वो अंधभक्ते वालों जैसी बातें मत करो पत्रकार महोदय, इन लोगों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना। ये अंधभक्त ये भी बोलते हैं कि भैया मोदी है तो देश है, अगर मोदी जी कल को नहीं होंगे, आप नहीं देखते, सुनो अगर मोदी जी कल को नहीं होंगे तो क्या ये देश भी नहीं होगा? देश तो होगा ना, देश तो होता ही है, देश तो होगा। फिर
तो ये अंधभक्त क्यों बोल रहे हैं, ये गोदी मीडिया क्यों चिल्ला रही है? तो हाँ, अभी ये चित्रा त्रिपाठी की आपने देखा होगा किस तरीके से वो क्या क्या सवाल पूछे थे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई वो। हाँ, देख रहा है आप, देख लो इनकी क्या हालत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार बताता हूँ आपको, 15-15 लाख रुपए जो मोदी जी ने बोले थे ना, पता किसको मिले हैं? ये सिर्फ हमारे देश के गोदी मीडिया को मिले हैं 15-15 लाख, बाकी और किसी को नहीं मिले। क्या दिखाना चाह रहे हैं? सीमा सुरक्षा की आपने बात करी थी ना, ये सीमाएं सुरक्षित हैं, ये भी सीमाएं सुरक्षित। पहली बार भारतीय सीमा तक विद्रोहियों का गणतंत्र, दैनिक भास्कर की खबर है ये, वेलकम टू चिनलैंड लिख दिया गया, ये सीमा सुरक्षित है। और दूसरी बात, अगर सीमा सुरक्षा की बात करी जाए तो आपने सुना है, कहा जा रहा है मोदी जी के कार्यकाल में शासन में जो है देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, वही तो मैं, हमारी बातों पे तो लोग यकीन नहीं करते, ये तो दैनिक भास्कर की खबर है। वेलकम टू चिनलैंड, मिजोरम पे उन्होंने कब्जा कर लिया, अरुणाचल पे कब्जा कर लिया, और सीमा सुरक्षा की बात, एक अकेली सीमा हैदर जो है वही हमारी सीमा को भेज के आ गई, एक अकेली सीमा हैदर, उसने हमारी सीमाओं की सुरक्षा को भेज दिया। देश के जो है सुरक्षा एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहा हूँ, जाहिर बात है आप देखो इस चीज को। तो क्या लगता है कि अभी जो जितने भी जो हालात चल रहे हैं हमारे देश का, इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पर? असर पूरा पड़ेगा, जो समझदार वोटर है वो इस बार बीजेपी के पास नहीं जाने वाले, जो उनके कोर वोटर है जिन्हें मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान से है वो जाएंगे बस। क्या लगता है 2024 में कौन? इंडिया गठबंधन, इंडिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।